प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुख किसे कहते हैं, सुख की परिभाषा क्या है, सुख के प्रकार की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें, सुख किसे कहते हैं यानी सुख की परिभाषा क्या है। सुख एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होती है, उसे सुख कहा जाता है। उसे सुख कहा जाता है। सुख की अनुभूति मन से जुड़ी हुई है और बाह्य साधनों से भी सुख की अनुभूति हो सकती है और अंदर के आत्मानुभव से बिना किसी बाह्य साधनों अनुकूल वातावरण के बिना भी सुख की अनुभूति हो सकती है। सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या शक्ति के अधीन नहीं है, यह हमारे भीतर ही है, बस खोजने की बात है। जब यह खोज कर ले तो आप किसी भी बात से दुखी नहीं हो सकते। अन्य शब्दों में हम सुख की परिभाषा बता दे रहे हैं। सुख एक मानसिक स्थिति है और यह एक अनुभूति है जो स्वयं अंदर से महसूस होती है। इसे बाहर ढूंढने से यह कभी नहीं प्राप्त हो पाएगा। यह व्यक्ति और व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर करता है कि उसे सुख किस में कितना मिलेगा। इसकी सही व्याख्या कोई नहीं कर सकता, केवल व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसके सुख का पैमाना क्या है। यदि किसी व्यक्ति को अपने घर बैठकर शांति से किसी किताब को पढ़ने में सुख मिल रहा है, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं घूमने जाने में, पर प्राकृतिक दृश्य देखने में सुख की अनुभूति होती है। किसी को भक्ति में सुख मिल रहा है, तो किसी व्यक्ति को अपने बल प्रदर्शन में सुख की अनुभूति हो रही है। किसी को प्रथम आने पर सुख की अनुभूति होती है, तो किसी को खेल में अनुभूति होती है। अब हम आपको बता रहे हैं सुख कौन कौन से, यानी सुख के प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, दूजा सुख घर में माया। यानी पहला सुख जो निरोगी रहे वह पहला सुख है, दूसरा सुख धन रहे, तीजा सुख सुलक्षण नारी, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तीसरा सुख यानी सुलक्षण स्त्री हो और चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र हो। पंचम सुख मित्र घनेरे, पंचम सुख मित्र घनेरे, छठवां सुख सो सज्जन पासा, छठवां सुख सो सज्जन पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसे हो तो धन्य है जीवन, ऐसे हो तो धन्य है जीवन। कहने का तात्पर्य, पांचवां सुख अच्छे मित्र हों, छठा सुख सज्जन पास में बसते हों यानी अगल बगल के लोग सज्जन हों, सातवां सुख संतोषी जीवन है, ऐसा हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सात प्रकार के सुख की जानकारी दी, सुख की परिभाषा हमने बताया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।